गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ स्वीट डे। टुडे इज वी लर्न एक्सरसाइज 4.5। इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर चुके हैं। बात करते हैं एक्सरसाइज 4.5 की। इसमें पहला क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स। इसमें दिया है 31 × 48 = 14। यहां 48 के साथ कितना है 31, तो यहां पे कितना आएगा 30। ऐसे ही 45 × 1 पर मल्टीप्लाई 45 करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट 45 16 × 0। 0 का जब भी किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0। अब ये दिया है 45 × 23 = 23 क्या है, यहाँ 23 के साथ क्या है मल्टीप्लाई में 45, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 45। बात करते हैं इसके, ये फर्स्ट पार्ट था, ये थर्ड पार्ट किया है, ये फिफ्थ पार्ट है और ये सेवन्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट के बाद आपका सेकंड पार्ट क्या है 67 × क्या आना चाहिए, जबकि इधर क्या दिया हुआ है 23 × 67। तो 67 के साथ जो उधर दिया है कोई इधर है। थर्ड के बाद आपका कौन सा आएगा फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्या आएगा 35 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि रिजल्ट 35 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, क्योंकि 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर। थर्ड है आपका सिक्स्थ पार्ट 148 × 1 क्या आएगा वही नंबर आ जाएगा, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर। 376 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा 0, क्योंकि 0 का जब भी हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 0। अब बात करता हूं मैं नाइन्थ पार्ट की, 9 × 8 × 5 = 9 × 8 × 9 × 5 का एक बार मल्टीप्लाई इसमें होगा और एक बार मल्टीप्लाई इसमें होगा। 10th पार्ट क्या है इसका 6 × 7 × में कौन सा नंबर आएगा, जबकि इधर क्या है 5 × 7 इधर क्या, तो इधर आ जाएगा क्या 6 × 7 और इधर क्या आ जाएगा 5, तो 5 का 7 में मल्टीप्लाई फिर 5 का 6 में मल्टीप्लाई 6 × 5 ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 11th भी ऐसा ही है, 12th भी ऐसा ही है। 11 से लेकर 16 तक के पार्ट्स में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इनको करके देखिएगा रिजल्ट आपका, या आप कहो तो मैं इनके आंसर भी लिख देता हूँ। आंसर्स में क्या आएगा इसके 11th में आपका आंसर आएगा 7 × 42, 12th का आंसर आएगा 113 में आपका आंसर आएगा 9 × 12 = 14 का आपका आंसर आएगा 0 × 15 का आपका आंसर आएगा 0 और 16 का आंसर आएगा 1। अब ये आसान फॉर्मूला मेरे साथ भर लेना। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 4.5 आज कंप्लीट होती है। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.6 की। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। हैव अ स्वीट डे।